और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार यूसीसी को लागू कर सकती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यूसीसी के ड्राफ्ट का मसौदा विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है, अब सरकार इसे लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने यूसीसी पर राज्य सरकार को सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी यदि देश के लिए इतना ही जरूरी है तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार के जरिए देश भर में इसे लागू कराएं। आपको बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। देखिए, समान नागरिक संहिता का पूरा जो उसका पत्रक है, उसका जो रिपोर्ट है, वो सरकार को सौंप दी गई है। और जब विधानसभा सत्र की चर्चा आती है तो स्वाभाविक से वो सारे विषय निकलने स्वाभाविक होते हैं। सत्र के बिंदु क्या होंगे, कार्य मंत्रणा समिति, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के एजेंडे का बिंदु होगा। लेकिन इसमें यूसीसी भी है, इसमें हमारा जो अभी उत्तराखंड आंदोलन कार्यों का आरक्षण का विषय वो भी है, और भी ऐसे क्योंकि विषय हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी लाने, जैसे अभी महिला नीति का विषय है, कल ही परसों राज्यसभा दिवस मान्य मुख्यमंत्री विषय को रखा था। ये सारे विषय एजेंडे के अंग होंगे और जब विधानसभा में विषय निकल के आएंगे तो हम सबके सामने स्पष्ट होगा। अभी क्योंकि विधानसभा का एजेंडा क्या होगा, ये विधायी व्यवस्था का अंग होता है, उस पर जो भी घोषणा होगी संसदीय कार्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। में आया है कि राज्य की धामी सरकार जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है और विशेष सत्र बुलाकर इसको विधानसभा में पारित करने की तैयारी में है, लेकिन यूसीसी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। धामी सरकार यूसीसी को लेकर गफलत में है, इसलिए क्योंकि ये समवर्ती सूची का मामला है और समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र का भी दखल बहुत ज्यादा रहता है। विधानसभा में पारित होकर ये राज्यपाल जी को जाएगा, राज्यपाल जी से पारित होकर ये राष्ट्रपति को जाएगा और संविधान की धारा 254 के हिसाब से इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन होना जरूरी है। इसलिए इस पूरी कवायद में कम से कम 1 साल का समय लगेगा, लेकिन प्रदेश में एक माहौल खड़ा करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज भाजपा के द्वारा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे से माइलेज लेने के लिए केवल एक शिगुफेबाजी की जा रही है, क्योंकि निकट भविष्य में तो यूसीसी प्रदेश में लागू होता दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं धामी सरकार से एक बात और कहना चाहती हूँ कि यदि यूसीसी इतना ही देश हित में है तो फिर मोदी जी से कहकर इसको पूरे देश में लागू करवाइए, ना केवल उत्तराखंड में। क्यों, क्या इतनी भी नहीं चल रही है दिल्ली दरबार में आपकी? और एक बार अगर केंद्र सरकार ने देश में यूसीसी लागू कर दिया तो उत्तराखंड का यूसीसी जो है वो ठंडे बस्ते में जाना लाजमी है। तो ऐसे में ये पूरी एक्सरसाइज ही फ्यूटाइल है, पैसों की बर्बादी है और कहीं ना कहीं एक और भाजपा के जुमलों के साथ जुमलेबाजी है।